नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। माय नेम इज़ गौरव गांधी और आज दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए फिर एक एक्साइटिंग सेशन, अल्फाबेट इकोनॉमिक रिकवरीज। दोस्तों हम ये बहुत जो सुनते हैं ना कि वी शेप्ड रिकवरी होगा इंडिया का कोविड के बाद, या यू शेप्ड होगा, ये अभी नया एक के शेप्ड रिकवरी आया है, तो इसी के बारे में हम जानने का कोशिश करेंगे कि ये अलग अलग शेप्स क्या है रिकवरी के। ये इकोनॉमिक्स में इतने अलग अलग अल्फाबेट्स के यूज़ किए जाते हैं, तो इसके बारे में हम समझेंगे दोस्तों। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स, ऑल एग्जाम्स पर्पसेस, एंड ऑल्सो आपके जीडी या इंटरव्यू में बहुत बहुत काम आएगा, क्योंकि एवरीबॉडी इज़ वॉन्टिंग टू अंडरस्टैंड एंड वॉन्टिंग टू नो कि इंडिया का रिकवरी का ग्राफ कैसा होगा, वॉट विल बी द ग्राफ फॉर इंडिया। सो बने रहिएगा दोस्तों मेरे साथ, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। एंड मैं लास्ट 3 दिन से वीडियो आपके लिए नहीं अपलोड कर पा रहा था, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, आई वॉज नॉट वेल, एंड इज़ द रीज़न वाई मैं आपके लिए आज एक स्पेशल सेशन लेकर आ गया हूँ, एंड आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शुरू करते हैं दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं। सो वॉट जस्ट हैपेंड अभी तक ये हुआ है, हमें पता है कि हम कहीं यहाँ थे Q1 2020-21 में, एंड वो ऊपर जाते जाते हम शायद ऐसे ही जाने वाले थे, बट वी ड्रॉप्ड एंड बहुत गंदा गिर के हम यहाँ पहुँच गए Q1 2020-21 में। तो हम जब यहाँ अब गिर गए हैं दोस्तों, तब यहाँ से रिकवरी कैसा होगा? क्या वो सीधा ऐसा होगा? क्या वो धीरे धीरे होगा? क्या वो होगा ही नहीं और स्ट्रेट रह जाएगा, एल शेप्ड, यू शेप्ड, वी शेप्ड, क्या होगा, इज़ व्हाट द क्वेश्चन इज। सो द कोरोना वायरस तो हर इकोनॉमी को ख़राब किया है वो, लेकिन एक्सेप्ट फॉर चाइना से इज़ दैट वो रिसेशन में नहीं है और सब है। सो एक्सेप्ट फॉर दैट एवरीबडी हैज़ बीन वेरी वेरी ब्रूटली हिट बाय कोरोना वायरस। इंडिया का GDP एक क्वार्टर से गिरा है, एक क्वार्टर बाय ऑलमोस्ट अ क्वार्टर, 24% -23.9 का फिगर आया ही था इस क्वार्टर का, पहले क्वार्टर का हमारा। सो आप दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इंडिया खाली -23.9 है जो हम वर्स्ट बता रहे थे, लेकिन अभी एक और कंट्री आ गया है जो कि इंडिया से भी ख़राब परफॉर्म किया है। नथिंग टू बोस्ट अबाउट कि इंडिया कम से कम लास्ट में नहीं है, उसके पीछे भी कोई है, बट देर इज़ अ कंट्री जिसका एक क्वार्टर नहीं, शायद हाफ ऑफ द GDP लॉस हो चुका है पहले क्वार्टर में। तो आप बताइएगा दोस्तों कमेंट सेट में कौन सा कंट्री है। एंड आगे बढ़ते हैं, कोविड विल बी टेम्ड इवेंचुअली। तो हमें पता है दोस्तों कोविड आया है, कोविड चला भी जाएगा, पैंडमिक आया वो चला भी जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, लेकिन कैसे होगा? द क्वेश्चन इज द शेप ऑफ द रिकवरी क्या होगा? क्या वो सडन एंड स्टीप होगा, या फिर वो धीरे धीरे और ग्रेजुअली प्रोलॉन्ग वे में होगा, क्या होगा? हियर आर द लीडिंग सिनेरियोस फ्रॉम द बेस्ट टू द वर्स्ट। दोस्तों मैं आपको 7 ऐसे तरीके बताऊंगा, जो कि अल्फाबेटिकल इकोनॉमिक रिकवरीज बताऊंगा, जिनमें से अब आपको मुझे बाद में बताना होगा कि इंडिया के लिए, कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि इंडिया के लिए आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। बहुत मजा आने वाला है, लेकिन आपको ये बहुत रिलेवेंट है दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं जेड शेप्ड रिकवरी। जेड शेप्ड रिकवरी बेसिकली क्या होता है दोस्तों? जेड शेप्ड रिकवरी होता है कि यहाँ से जब वो नीचे गिरा हमारा इकोनॉमी, तो जैसे ही सब ठीक हुआ तो ये बंप करके ऊपर हुआ और नॉर्मल सी से भी ऊपर चला गया, एंड देन धीरे धीरे करके नॉर्मल पे आया एंड फिर आगे निकल गया। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ये बेस्ट केस सिनेरियो है, इससे अच्छा कोई सिनेरियो नहीं है, ये बेस्ट केस सिनेरियो है। हम लोग ना बेस्ट से वर्स्ट में जा रहे हैं, तो 1 अभी हम देख रहे हैं ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5, 6 आएगा, जो उससे बेस्ट वाला जेड शेप्ड है और लास्ट में जाएगा वो वर्स्ट है। एक्सपेक्ट ये करिएगा दोस्तों कि इंडिया कम से कम कहीं 1, 2, 3 में लाइक करे कहीं ना कहीं, दैट इज़ वॉट वी वॉन्ट। तो बेसिकली दोस्तों जेड शेप्ड रिकवरी में मोर ऑर लेस होता क्या है कि लोग बाहर जाना तो बंद कर देते हैं इन्फेक्शन में, लेकिन ना लेबर्स का पैसा फिर भी दिया जाता है, सैलरीज पे किया जाता है। तो उससे क्या होता है, जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है, पीपल गो आउट एंड दे गो आउट टू बाय, टू ट्रैवल, टू पार्टी, एंड विद अ वेंजेंस, विद सम एग्जूबरेंस। और वो एग्जूबरेंस एक बार में आपको ऊपर लेके चला जाता है, बहुत ज़्यादा खुशी से वो जाते हैं और अपना पेंट अप डिमांड को ख़त्म करके फिर वो धीरे से नीचे आ जाते हैं। बट इस बार के लिए इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू, इंडिया के लिए ये ऐसा नहीं होगा शायद, दिस सिनेरियो इज़ टू गुड टू बी ट्रू दिस टाइम फॉर इंडिया। सो ये था जेड शेप्ड रिकवरी। नेक्स्ट है वी शेप्ड रिकवरी, ये हम बहुत सुन रहे हैं दोस्तों,
कि वी शेप्ड रिकवरी होगा, जैसे नीचे गिरा है बिल्कुल ऐसा का ऐसा ये ऊपर आकर नॉर्मल हो जाएगा। तो ये वी शेप रिकवरी के बारे में दोस्तों यही है बात, बहुत इंपॉर्टेंट वो ये है कि बिजनेसेस हैव नॉट कोलैप्स्ड। अगर ऐसा हो कि बिजनेस कोलैप्स ना हो और वर्कर्स को डिस्प्लेस ना किया जाए लॉकडाउन की वजह से और उनको सैलरीज दिया जाए, तब वी शेप रिकवरी आ सकता है। लेकिन अगर आप वर्कर्स को निकाल चुके हो, माइग्रेंट्स घूम रहे हैं, अगर वापस गाँव चले गए हैं और उनका उनका जॉब का कोई अता पता नहीं है, तो ऑब्वियसली वो वी शेप्ड रिकवरी नहीं शो करेगा। एंड ऑल्सो वी नो दैट वन आउट ऑफ थ्री एम एस एम ई, एम एस एम ई का फुल फॉर्म हमें पता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो एम एस एम ई आर गोइंग टू शट वेरी सून इंडिया में। तो बहुत खराब कंडीशन है इस वजह को लेकर। और ये जो वी है ना दोस्तों, ये वी आपको ना बहुत बार कन्फ्यूज किया जाता है। वी में आपको कभी भी लोग ये नहीं बताते कि वी कितना डीप है, क्या ये वाला वी है, क्या ये वी है, क्या ये वी है, अरे वी है कौन सा, कितना नीचे जाएंगे हम, और क्या हम एकदम नीचे पॉइंट पे पहुंच गए हैं, आज हम कौन से पॉइंट पे, वेयर आर वी लाइंग प्रेजेंटली इन द वी, ये आपको कोई नहीं बताएगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री अभी तीन दिन पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज टोल्ड दैट इंडिया इज हेडेड टुवर्ड्स अ वी शेप्ड रिकवरी, लेकिन आज हम कहाँ हैं ये तो बताए हमें, ये हमें कोई नहीं बताता। सो टाइम्स आर टफ। यू शेप्ड रिकवरी, यू शेप्ड वी से थोड़ा खराब होता है। यू बेसिकली यही है कि नीचे तो पहुंच गए लेकिन अब धीरे 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 करके हम रिकवर करके आएंगे, तो इट विल टेक टाइम, इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम एंड इकोनॉमिक लॉस भी ज़्यादा होगा बिकॉज द साइज ऑफ द पिट इज बिगर। नाउ यू में भी एक बात है, एक यू होता है ऐसा, एक यू होता है ऐसा। अब आप बताइए ये जो सेकेंड वाला यू है इसे इलोंगेटेड यू कहते हैं। अब इसके बारे में भी हमें बताना जरूरी है कि इलोंगेटेड मतलब कितना टाइम तक हम वहां नीचे रहेंगे जिसके बाद हम ऊपर जाएंगे। सो दिस काइंड ऑफ लॉन्ग ड्रॉन रिकवरी डैमेजेस लेबर सप्लाई एंड प्रोडक्टिविटी, ये बिल्कुल डैमेज हो जाता है एंड ऑब्वियसली बहुत प्रॉब्लम्स है उसके बाद। तो नेक्स्ट है स्वूश रिकवरी। स्वूश रिकवरी दोस्तों ये वो नाइकी का स्वूश जो है ना, वो नाइकी का स्वूश रिकवरी वैसा कुछ है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, नीचे आए एक बार ये वी एकदम ऐसे ही ऊपर जाता है लेकिन यहाँ से फिर ये धीरे 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 करके फिर नॉर्मल सी तक पहुँचता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वी एंड यू बोथ। स्टार्टिंग में क्या होता है, द मॉडल शोज दैट रैपिड रिकवरी हो जाता है इनिशियली। तो ये वाला जो स्टेज है इसमें बहुत रैपिड रिकवरी होता है क्योंकि अनलॉक मेजर्स लिए जा रहे हैं जिसकी वजह से जल्दी सब खुलने लगता है। बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम द ग्रोथ स्लोज डाउन एंड इकॉनमी टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर फ्रॉम हियर बिकॉज कंज्यूमर्स लैक कॉन्फिडेंस टू स्पेंड। नहीं करेंगे ना, आज आप अपने आप को ही देख लीजिए, आप कितना स्पेंड कर रहे हो, आप 6 महीने पहले जितना स्पेंड कर रहे थे क्या आप आज उतना करोगे, आप नहीं करोगे क्योंकि आपको अनसर्टेन टाइम्स दिख रहे हैं आगे। अगर लोगों में कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो वो स्पेंडिंग ज़्यादा नहीं करेंगे, जो भी एसेंशियल होगा उसी में स्पेंड करेंगे और नहीं तो सेव करके रखेंगे, राइट ओके। अब आया वेरी वेरी फेमस ये के शेप्ड रिकवरी, ये अभी कुछ दिनों से दोस्तों बहुत फेमस हो गया के शेप्ड रिकवरी। सो के शेप्ड रिकवरी बेसिकली क्या हुआ दोस्तों, कि जब इकोनॉमी गिरा, गिरने के बाद कुछ लोग तो ऊपर गए और कुछ लोग नीचे रह गए, मेकिंग इट अ के शेप्ड रिकवरी। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें इनइक्वालिटी होता है सोसाइटी में, इनइक्वालिटी बढ़ता है सोसाइटी में। व्हेन ग्रोथ विल रिवाइव इट्स बेनिफिट्स विल फ्लो टू द पीपल एट द टॉप एंड बॉटम वाले वैसे के वैसे ही रह जाएंगे, और जो ग्रोथ हो रहा है वो सिर्फ टॉप वालों का हो रहा है। ये बहुत रेलेवेंट है दोस्तों, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बहुत रेलेवेंट है। आप देखिए एक एग्जांपल, स्टॉक मार्केट और रियल मार्केट किस तरीके से डीलिंग हो चुका है। आप सिर्फ ये समझिए, स्टॉक मार्केट जब इतना अच्छा कर रहा है और जब अंबानी और अडानी और ऐसे बड़े बड़े कंपनीज और तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, टेक फर्म्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा वॉट अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उनका क्या हाल है। आपको मैं एक डेटा देता हूँ, आप खाली इसको देखकर समझने की कोशिश करिएगा। यूएस में जितने भी स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें से आधा या आधा से भी ज्यादा आर ओन्ड जस्ट बाय टॉप 1% ऑफ होल्डर्स। दिस स्पीक्स फॉर ऑल, दिस इज इट, मतलब आधा से ज्यादा स्टॉक्स आर ओन्ड बाय 1% ऑफ अर्नर्स, टॉप 1% ऑफ अर्नर्स। दिस इज रिच गेट्स रिचर एंड पुअर गेट्स पुअरर, इसके वजह से इनइक्वालिटी विल राइज, जिनी कोएफिशिएंट विल राइज। अब जिनी कोएफिशिएंट क्या होता है दोस्तों, बताइएगा कमेंट सेक्शन में, जिनी कोएफिशिएंट क्या होता है, ये इंडिया के लिए क्या चल रहा है अभी, ये बताइएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पर्पजेस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ डब्ल्यू शेप रिकवरी क्या होता है,
डब्ल्यू शेप रिकवरी बेसिकली ये होता है, नीचे गिरा ऊपर आया, बट उसके बाद वापस से कुछ रीजन से नीचे गया और फिर ऊपर आया। और ये तो दो बार आप इकोनॉमी के गड्ढे में गिरते हो, इकोनॉमिक रिकवरी के गड्ढे में गिरते हो। ये क्यों होता है? इससे इकोनॉमिक लॉस बहुत ही दर्दनाक है। ये मोर ऑर लेस इसलिए हो सकता है कि एक सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन वापस से आ गया, तो ऊपर जाके वापस से नीचे आए, क्योंकि शायद इस पॉइंट पे वापस से एक इन्फेक्शन का एक रेज आ गया, जिसके बाद ये वापस चला गया। इंडिया में ये होने का बहुत बड़ा चांस है। इकोनॉमी वुड टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू रिकवर आफ्टर दिस, वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है दोस्तों, छः कर लिए। लास्ट है एल शेप्ड रिकवरी। एल शेप्ड रिकवरी इज द वर्स्ट ऑफ ऑल। इट सेज आप नीचे गिरे हो, लेकिन अब उसके बाद आप कॉन्स्टेंटली नीचे ही हो, ऊपर नहीं आ पा रहे हो। यू आर नॉट एबल टू कम अप। दैट इज बिकॉज देयर इज अ परमानेंट डैमेज दैट हैज टेकन प्लेस। द ग्रोथ रेट नेवर रिटर्न्स टू द ओल्ड पाथ। ग्रीस के साथ ऐसा हुआ था 12 साल पहले, जब वहाँ एक रिसेशन आया, उसके बाद आज 12 साल हो गया एंड इट इज विटनेसिंग एन एल शेप्ड रिकवरी, मोर और लेस एन एल शेप्ड रिकवरी। सो होपफुली इंडियाज यंग पॉपुलेशन विल एंश्योर कि ऐसा ना हो, इंडिया के साथ ऐसा ना हो एटलीस्ट कि एक एल शेप्ड रिकवरी है। सो दोस्तों ये था पूरा, आपको मैं वापस से दिखा देता हूँ। जेड शेप्ड, वी शेप्ड, यू शेप्ड, स्वूश रिकवरी, के शेप्ड, डब्ल्यू शेप्ड एंड एल शेप्ड। तो ये दोस्तों सारा था, एंड ये सारे अल्फाबेटिकल इकोनॉमिकल रिकवरीज के मॉडल्स हैं, जो इकोनॉमिस्ट को बड़े पसंद है ये सब अल्फाबेट सूप क्रिएट करना। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको तीन क्वेश्चंस देना चाहूँगा, आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आंसर करिएगा। विच अल्फाबेटिकल इकोनॉमिक रिकवरी डू यू थिंक विल इंडिया सी? आपके हिसाब से इंडिया में क्या होगा आप बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में, और एक्सप्लेन करिएगा कि ऐसा क्यों है। एंड वॉट इज स्टैगफ्लेशन? स्टैगफ्लेशन क्या होता है इसको आप बताइएगा, और क्या इंडिया में स्टैगफ्लेशन होने का चांस है क्या अभी, तो ये बताइएगा। एंड वॉट इज द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रिसेशन में है, रिसेशन में हम बोलते हैं, लेकिन टेक्निकली वॉट इज द डेफिनेशन, एंड हेंस आर वी इन रिसेशन और नॉट? तो ये तीन क्वेश्चन आप कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। ये सेशन दोस्तों आपके लिए बहुत रेलिवेंट है फॉर ऑल एग्जाम पर्पसेस, जीडी, इंटरव्यू सब में बहुत काम आने वाला है। आगे वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, एंड हमारे इकोनॉमी को संभालना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच। वील बी ब्रिंगिंग कमिंग अप विथ मोर एक्साइटिंग सेशंस फॉर ऑल ऑफ यू, बहुत रेलिवेंट। आप कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों, एक फीडबैक दीजिएगा प्लीज़ कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। थैंक यू सो मच। These are some useful PT resources from PT family. Make full use of them. Namaste. Jai Hind.